Hello students, welcome to Hertz International School online classes. In previous lecture we had discussed about polynomial and today we will start exercise 2.1. But isse pehle hum discuss karenge general forms ke bare mein kyunki kuch students ke doubts hai, questions hai general form ko leke. So pehle iske bare mein discuss karte hain. To general form aapke aate hain classification of polynomial mein. और जो सेकंड टाइप का आपका क्लासिफिकेशन है उसमें सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन आपके किसके बेसिस पे है, डिग्री के बेसिस पे. तो उसमें फर्स्ट जो पॉलीनोमियल है लीनियर पॉलीनोमियल, तो लीनियर पॉलीनोमियल आपको पता ही क्या होता है, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल. बट हमें मेन फोकस करना है जनरल फॉर्म के बारे में क्योंकि डाउट उसी के बारे में है. तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल इज ए एक्स प्लस बी, वेयर ए कॉमा बी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रियल नंबर्स. तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना है. सो ए एक्स प्लस बी, सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज़ ए वेरिएबल एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट और वी कैन से रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये इसमें आपके एक ही वेरिएबल टर्म है और सेकंड आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म. तो आपको ये याद रखना है कि जनरल फॉर्म में आपको पहले वेरिएबल टर्म लिखना है और फिर आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, ये क्वेश्चन देखो साइड में मैंने लिखा हुआ है. जनरल फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3 इज़, सो 2x प्लस 3 में आपके पहले क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है और फिर आपके क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल टर्म. बट आपके जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग पहले आपको क्या लिखना है, वेरिएबल टर्म और फिर आपको लिखना है कांस्टेंट टर्म. सो वेरिएबल टर्म ऑफ 2 प्लस 3x इज 3x, सो 3x प्लस 3x प्लस 2. सो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई, किसकी जनरल फॉर्म हो गई, 2 प्लस 3x की. और 2 प्लस 3x क्या है, आपका लीनियर पॉलीनोमियल. ठीक है, तो लीनियर पॉलीनोमियल में आपको ये याद रखना है कि पहले कांस्टेंट सॉरी पहले वेरिएबल टर्म लिखनी है और फिर आपको क्या लिखनी है, कांस्टेंट टर्म लिखनी है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लीनियर पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा. सो अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आपको पता है डिग्री कितनी होनी चाहिए, जिसकी डिग्री 2 होती है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है. एंड इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसमें ए एक्स वेरिएबल टर्म है, बी एक्स वेरिएबल टर्म है और सी आपके क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें. और ए बी सी आपके क्या हैं, रियल नंबर्स. ए बी सी आपके क्या रियल नंबर्स हैं और वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स आपका वेरिएबल है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आई होप नहीं होगी. ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि आपके दो वेरिएबल टर्म्स हैं. तो वेरिएबल टर्म्स किस कैसे लिखे हुए हैं आपके, तो वेरिएबल टर्म का ऑर्डर है लिखने का, ऐसे ही नहीं कि हम कोई भी वेरिएबल टर्म पहले लिखते हैं जनरल फॉर्म में. तो जनरल फॉर्म में हम वो वेरिएबल टर्म पहले लिखेंगे जिसमें पावर ज़्यादा है. वेरिएबल की पावर क्या है इसमें, 2, और इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1. तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है टर्म्स को, किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है टर्म्स को. जिस टर्म की पावर ज़्यादा है, जिस वेरिएबल टर्म की पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखना है और जिसकी कम है उसको बाद में लिखना है और सबसे लास्ट में आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म होगी. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2p स्क्वायर. 2p स्क्वायर आपका क्या है, 2p स्क्वायर इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज़ 2, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. अगर मैं आपको बोलूँ राइट द जनरल फॉर्म ऑफ 2p स्क्वायर, तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखें आप 2p स्क्वायर, सो द जनरल फॉर्म ऑफ 2p स्क्वायर विल बी 2p स्क्वायर प्लस 0p 0 मल्टीप्लाई पी प्लस 0. बिकॉज आपको पता है कि इसमें दो टर्म मिसिंग है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म आपके रिटर्न है 2p स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म में आपका वेरिएबल होगा एक और जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होगी. ठीक है, और उसको मैंने 0 के साथ लिखा है बिकॉज 0 मल्टीप्लाई पी इज़ 0 ओनली. ओके, बिकॉज आपको पता है सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों नहीं है तो मतलब 0 है दोनों. तो आपका सेकेंड टर्म हो गया आपका 0 मल्टीप्लाई पी एंड थर्ड टर्म विच इज़ कांस्टेंट, और थर्ड टर्म आपका क्या, कांस्टेंट, जो कि आपका 0 है. अगर कुछ नहीं है तो 0 है आपको लिखना है. सो जनरल फॉर्म ऑफ 2p स्क्वायर इज़ 2p स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई पी प्लस 0. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 4.
इसमें आपको सेकंड टर्म मिसिंग है, ये बी एक्स वाली, तो सेकंड टर्म मिसिंग है, तो आपको क्या लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे 9x² प्लस 0x प्लस 4, तो वो उसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्यूबिक पॉलीनोमियल में लिखेंगे। क्यूबिक पॉलीनोमियल में आपको पता है कि डिग्री 3 होती है, किसी भी पॉलीनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो वो क्या है, आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है। ठीक है, एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और a b c d आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है इसमें, यहाँ पे x वेरिएबल है। अब यहाँ पे x की जगह कुछ और भी वेरिएबल हो सकता है आपका, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे अपने सेकेंड एग्जाम्पल में p वेरिएबल था, ठीक है, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, बट नॉर्मली एक्स लेते हैं, तो मैंने जनरल फॉर्म में एक्स लिखा हुआ है। वाई भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे वाई होगा तो फिर सब में वाई होगा, याद रखना। ठीक है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें ये एक वेरिएबल टर्म है, bx² सेकेंड वेरिएबल टर्म है, cx आपकी थर्ड वेरिएबल टर्म है, तो इसमें आपके कितने वेरिएबल टर्म्स हैं, तीन वेरिएबल टर्म्स हैं, और तीनों किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, टर्म्स किस ऑर्डर में हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, टर्म्स आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, तो ये पहले लिखा हुआ है, फिर इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो ये सेकेंड टर्म सेकेंड पे लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो ये थर्ड पोजिशन पर लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल है नहीं तो उसकी पावर 0 ही होगी, इसलिए लास्ट टर्म है, और ये कॉन्स्टेंट टर्म भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, अभी इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। 9x³ प्लस 4x, 9x³ में आपकी डिग्री क्या है, 3 है, बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी, तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म पूछूं तो क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म, यहाँ पे देखो साइड में, जनरल फॉर्म ऑफ 9x³ प्लस 4x इज, इसमें कौन कौन सी टर्म मिसिंग है, एक तो x² वाली टर्म मिसिंग है और एक कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है, तो हम वो दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म इज 9x³, सेकेंड टर्म जो x² वाली टर्म है आपकी, तो हम 0 × x² लिख देंगे, बिकॉज वो नहीं है तो 0 है, बट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देन थर्ड टर्म इज़ 4x, एंड फोर्थ टर्म इज़ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जनरल फॉर्म के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब सभी एक्सप्रेशन है, उनमें हमें उनमें से पॉलीनोमियल आइडेंटिफाई करने हैं, पॉलीनोमियल भी कौन सा, वन वेरिएबल वाला पॉलीनोमियल। ओके, और रीजन बताना है अपने आंसर का। क्लियर है क्वेश्चन में, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आना कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलीनोमियल है कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो पॉलीनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सप्रेशन से आपको ओनली जो वेरिएबल है उसकी पावर चेक करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपकी पावर क्या है, 2, फर्स्ट जो वेरिएबल टर्म है उसमें पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, जो सेकेंड टर्म है वो भी आपके वेरिएबल टर्म है उसमें पावर क्या है, 1, और ये और याद रखना कि आपको वेरिएबल की ही पावर चेक करनी है, कांस्टेंट की पावर चेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर 2 है, इसमें वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर 1 है, और 1 और 2 दोनों क्या हैं, आपके होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर अगर हैं, वेरिएबल की पावर्स अगर होल नंबर है, तो वो आपका पॉलीनोमियल होगा। क्लियर, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पॉलीनोमियल कैसे क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स है, सब कुछ है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं दिखाया तो वो चेक कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर दोनों क्या है, आपकी होल नंबर है, तो 4x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 7 इज़ ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, दोनों टर्म में एक्स वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल का टाइप का पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, तो आंसर के लिए आप ये चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कॉन्टेन ओनली वन वेरिएबल एक्स, वेरिएबल कौन सा है आपका, एक्स है। ठीक है, तो ये आपका पॉलीनोमियल है। सेकंड पार्ट, y² प्लस रूट टू, पॉलीनोमियल में हमें किसकी क्या चेक करनी है, हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है, सो पावर ऑफ द वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म 2,
पावर ऑफ द वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म इज 2, पावर ऑफ द वेरिएबल इन सेकेंड टर्म, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ठीक है, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 क्या है आपका, 2 आपका होल नंबर है, सो वी कैन से वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 इज ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कॉन्टेन ओनली वन वेरिएबल वाई। क्लियर, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, आपको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 इज ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कॉन्टेन ओनली वन वेरिएबल वाई, ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है ठीक है। थर्ड पार्ट, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, ओके, कैन यू टेल मी द पावर ऑफ द वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म। यहाँ पे वेरिएबल क्या है अपना टी, तो इसकी पावर क्या है बताइए, इसकी पावर है 1/2, बिकॉज रूट मीन्स क्या होता है रेज टू पावर 1/2 ठीक है। इंस्टीड ऑफ रूट टू वी कैन सॉरी इंस्टीड ऑफ रूट टी वी कैन राइट टी रेज टू पावर 1/2, यहाँ पे चेक कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है रूट टू का मतलब, सॉरी रूट टी का मतलब। एंड पावर ऑफ द वेरिएबल इन सेकेंड टर्म 1, 1 तो होल नंबर है बट 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, और होना किसको चाहिए, दोनों को ही होल नंबर होना चाहिए तभी आपको पॉलीनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट ए पॉलीनोमियल, क्लियर, एज इट कॉन्टेन, यहाँ पे देख सकते हो आप थर्ड पार्ट, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट ए पॉलीनोमियल एज इट कॉन्टेन टी रेज़ टू पावर 1/2 इन विच पावर इज नॉट ए होल नंबर, क्लियर, सो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल। नाउ फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y, सो आपको ये और पता होना चाहिए, कभी फ्रैक्शन में होगा तो डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल है तो आपको उसको मूव करना पड़ेगा न्यूमरेटर के साथ में, तो अगर हम इसको मूव करेंगे न्यूमरेटर के साथ में तो क्या लिखेंगे, y प्लस 2y रेज टू पावर माइनस 1, क्योंकि आपने एट्थ क्लास में पढ़ा है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट पढ़ा है, तो एक्सपोनेंट में आपको रूल्स पता होंगे कि ट्रांसफर कैसे करते हैं। सो फोर्थ पार्ट, इंस्टीड ऑफ y प्लस 2/y वी कैन राइट y प्लस 2y रेज टू पावर माइनस 1 एंड इट इज़ नॉट ए पॉलीनोमियल बिकॉज माइनस 1 इज नॉट ए होल नंबर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो आपके पावर क्या है 1, बट सेकेंड टर्म में आपके पावर क्या है माइनस 1, माइनस 1 इज नॉट ए होल नंबर, सो y प्लस 2/y इज नॉट ए पॉलीनोमियल, क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट इज x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 15, क्लियर, एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपका x वेरिएबल है, सेकेंड टर्म में y वेरिएबल है, थर्ड टर्म में t वेरिएबल है, तो ये कितने वेरिएबल है इसमें, 3 वेरिएबल्स हैं। सो और ये पॉलीनोमियल है या नहीं, इसके लिए हमें क्या चेक करना है, पावर ऑफ द वेरिएबल 10, 3 एंड 50, तीनों क्या हैं आपके होल नंबर्स हैं, सो ये आपका क्या है पॉलीनोमियल है, बट कितने वेरिएबल हैं इसमें, 3, सो इट इज़ ए पॉलीनोमियल इन 3 वेरिएबल, क्लियर, एज इट कॉन्टेन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई कॉमा टी। सो आपको लिखना कैसे है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस टी 50, यहाँ पे शायद हाँ 10 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर की जगह आपको 10 आएगा, एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 2 वाई क्यू प्लस टी रेज टू पावर 50 इज ए पॉलीनोमियल इन 3 वेरिएबल एज इट कॉन्टेन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड टी, क्लियर। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कोएफिशिएंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, इंट्रोडक्शन में नहीं बताया होगा इस चैप्टर में, तो आपको मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो इंट्रोडक्शन कराया था उसमें मैंने आपको बताया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो हमें इस वाले पार्ट में क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट इज ए न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल टर्म, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए वेरिएबल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसका न्यूमेरिकल फैक्टर लिखना है, ये आपका एक्स स्क्वायर टर्म है, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, इस चलो हम इसका फैक्टर कर दे तो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्लियर, और इसमें कोई भी
कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो हम वन लिखते ही हैं, पता है आपको। तो वन मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, सो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर आपका क्या है, वन। न्यूमेरिकल फैक्टर वन है, तो हम लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ वन। आपको लिखना कैसे है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली बाकी पार्ट आप कर सकते हो, जैसे इसमें है आपका, ये आपका एक्स स्क्वायर टर्म है, तो इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, माइनस वन, बिकॉज यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस वन इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड पार्ट में आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल फैक्टर पाई बाय टू। क्लियर, तो हम लिखना कैसे है बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आपका एक्स स्क्वायर टर्म है नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट भी क्या होगा आपका, जीरो। क्लियर, सो सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, आप नोटबुक में कर लेना। वैसे तो ये आपका होमवर्क दिया था मैंने, जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक्सप्लेनेशन है, और जिसको भी जिस क्वेश्चन में डाउट है वो समझ लें अच्छे से। थर्ड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 30 35। हमें एग्जाम्पल लिखना है एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री क्या है, 35 है। बाइनोमियल, बाइनोमियल में आपको पता है कि दो टर्म्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, तो बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं और डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, 35 होनी चाहिए। तो डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए और दो टर्म्स होनी चाहिए, तो आप शायद लिख सकते हो कोई भी एक एग्जाम्पल। जो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके अलावा भी कुछ भी और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल्स टू एक्स इज टू पावर 35 प्लस टू, मैंने कॉन्स्टेंट टर्म लिख लिया। आप चाहे इसकी जगह एक्स इज टू पावर 34 भी लिख सकते हो, तभी भी इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 35, बिकॉज हाईएस्ट पावर 35 है, तो वही आपकी डिग्री होगी। और वेरिएबल मैंने एक्स लिया हुआ है, इसकी जगह आपको कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल, मोनोमियल में आपको पता है कि एक ही टर्म होनी चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। सो वी कैन राइट एक्स इज टू पावर 100, और इंस्टेड ऑफ एक्स यू कैन राइट वाई इज टू पावर 100। कोई भी एक मोनोमियल वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। डिग्री लिखनी है आपको, एंड डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, हाईएस्ट आपको पता है 3। सो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, और वी कैन राइट डिग्री ऑफ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू 3, ऐसे आपको लिखना है आंसर। ये रहा, मैंने एक एक करके दिखाया हुआ है कि आपको आंसर कैसे लिखना है, डायरेक्ट 3 मत लिख देना, तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखनी है, डिग्री ऑफ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो बाकी के जो पार्ट है वो आपके होमवर्क है, खुद से कर लेना आप, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ 3 वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज वाई रेज टू पावर 0 मीन्स 1 ओनली, सो ये आपका 3 हो जाएगा। सो इसमें आपके वेरिएबल की पावर क्या है, 0। तो कॉन्स्टेंट टर्म में हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है, उसके साथ जो वेरिएबल होता है 0 होता है उसकी पावर, ठीक है। सो ये तीनों चारों पार्ट आप कर लेना होमवर्क। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर पॉलीनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। तो लीनियर पॉलीनोमियल आपको पता है, लीनियर अभी हमने डिस्कस किया था पहले ही, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट की उससे पहले ही, लीनियर पॉलीनोमियल जिसमें डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए, 1। इफ डिग्री इज 1 देन इट इज़ ए लीनियर पॉलीनोमियल, इफ डिग्री इज 2 देन इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इफ डिग्री इज 3 देन इट इज़ ए क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो ये बाकी के सारे आपके होमवर्क है, बट करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। सो फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।